ये है मेरे पीछे यहाँ पे पालकुराली गाँव का जंगल है हमारे से, थना थना पानी है, हर एक ठंडी ठंडी हवा है। देखो भाई बंधु चाचा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस अभी देखिए आज मौसम तो ऑलमोस्ट क्लियर भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है। ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे और ऊपर से जाएंगे तो आधे घंटे या 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, तो ब्लॉग में बने रहिए आपको और पूरा आपको दिखा देंगे कि कहाँ से हम कैसे जा रहे हैं। और पूरा जंगल ही जंगल है, तो जंगल के रास्ते से हम लोग जाने वाले हैं। और बाकी आप वेदर देख सकते हैं सामने कि किस तरह का है आज। तो अभी ना धूप है ना बारिश है, लेकिन जो आसमान है वो फुल बादल से घिरा हुआ है। तो अभी थोड़े टाइम बाद हो सके बारिश हो जाए। अब चलते हैं आगे, आगे क्या रहती है सिचुएशन आपको सब ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये है मेरा घर यहाँ पर सामने, सामने का जो लोकेशन यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को। तो आज जंगल से यात्रा करेंगे तो कैसा रहता है अभी देखेंगे। बाकी मौसम साथ देना चाहिए, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आजकल, कल तो काफ़ी अच्छी धूप थी लेकिन आज तो लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, तो देखते हैं। और बाकी आजकल डेली घुमा घामी हो रही है। परसों जैसे आपने देखा होगा कि कल मैं गया था लिसवल्टा बांगर है मेरे घर जाने के लिए। आप देख सकते हैं कि देखिए पूरे पेड़ ही पेड़ है और फिर पेड़ के बीच में से यानी दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, अनगिनत पेड़ हैं। और स्पेशली गाइस ये है मेरी दादी जी और सब यहाँ पे हमारे मेरे गांव के हैं सब लेडीज लोग। और अभी ये लोग जा रहे हैं जंगल में। कौन क्या चीज देखा, कहीं गंगा क्या हमारी मेला है, देखा क्या जंगल जा रहे, कैसे का जंगल है हमारे से, थना थना पानी है, हर एक ठंडी ठंडी हवा है। देखो भाई बंधु चाचा बटा दादी, सही बात बोली दादी, आइए यानी 30-40 kg पीठ में उठा के फिर लेके आएंगे ये लोग। ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर हो जाएगा, 5-7 किलोमीटर से ऊपर रहेगा कम से कम। तो अभी ये लोग जा रहे हैं फिर आएंगे सुबह रात को। 50 किलो वजन है उसका, 50 किलो पीठ में उठा के, पीठ में उठा के तो फिर चलना है 5-6 किलोमीटर। तो चला जा रहे फिर आए जी। बाय। ओके। तो अभी गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव से काफी ऊपर, जो हमारा गाँव है काफी नीचे रह गया। और यहाँ पे है फुल चढ़ाई ऊपर तक, यानी धजारों की जो देवी है, जो मंदिर है, वहाँ तक हमको काफ़ी खड़ी चढ़ाई लेके जाने पड़ेगी, यानी सीधा वाली चढ़ाई। तो अभी देखिए आप कि सांस भी फूलने लग गया है इस चढ़ाई पे। और आगे जा रहे हैं नत्थू भाई जी और उससे भी आगे चाचा जी चले गए। जय हो माँ भगवती। चंद्रवदिनी न्यू टिहरी, मतलब जो टॉप का जो माउंटेन है वो सामने। और ये देखिए वहाँ पे कुछ बादल वगैरह फॉग वगैरह लग गया है। बाकी यहाँ से हमारा गांव है नीचे की तरफ और यहाँ से आप सामने का व्यू देखिए आप। तो आजकल जो है पूरी चारों तरफ हरा भरा है और यहाँ ये टॉप की लेवल है, तो यहाँ से एकदम चारों तरफ एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कि हिमालय पर्वत से नीचे दिखता है। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है आप सामने देखिए। तो हम ये लाइन से जाएंगे अभी सीधा ऊपर, इसके ऊपर एक और अच्छी जगह आएगी, वहाँ हम लोग बोलते हैं रेखाल। गाइज हम लोग पहले साई की क्लास में पढ़ते थे और हमारा जो बर्थडे है वो भी सिर्फ 9 दिन का फ़र्क है। तो भेजी मेरे से 9 दिन आगे गए हैं, तो ऐसे है हमारी लाइफ। और अभी हम लोग जा रहे हैं पालकुरा लस्या, तो यहाँ पर अभी बैठे हैं मंदिर में। तो और भी अच्छे अच्छे लोकेशन आने वाले हैं, रेखाल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और साथ में है चाचा जी, चाचा जी कर रहे हैं पूजा। तो
ऐसा है। बाकी आप पीछे देखिए, हमारे पीछे कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, पीछे आसमान नीला नीला, पूरे बादल लगे हैं। तो गाइज यहाँ से सामने देखिए आप, कितना ज़बरदस्त लोकेशन है। ये भी विश्वनाथ है, वहाँ पे सामने विश्वनाथ बोलते हैं हम लोग, सामने लोकल लैंग्वेज में विश्वनाथ बोलते हैं। और वहाँ पे माँ भगवती यानी जगदम्बा का मंदिर है, तो ये घाटी दिख रही है वहाँ पे सामने, उसी एरिया में माँ जगदी का मंदिर है जो लास्ट ब्लॉक देखा होगा आपने। और ये साइड भी ऊपर, वहाँ से हम लोग पवाली कांठा, आप लोगों ने सुना होगा, तो पवाली कांठा वहाँ से काफ़ी शॉर्टकट है वहाँ से जाने के लिए। यानी उस टाइम पे नीचे जो रोड थी वो भी नहीं बना था, मैं लोग इसी रास्ते से आया जा करते थे। यानी अगर आपको कहीं मुंबई या दिल्ली जाना हो या कहीं भी, तो यहाँ से इस रास्ता होके चिरबिट्टिया जाते थे। चिरबिट्टिया यहाँ पे एक लोकल मार्केट है, तो वहाँ तक रोड थी। और जो नीचे की रोड आप देखा होगा आपने लास्ट ब्लॉग में, वो रोड उस समय पे नहीं बनी थी। तो ये रास्ता आप कह सकते हैं कि हज़ारों साल पुराना है, और यहीं से हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो आया जाया करते थे इसी रास्ते से। तो गाइस हम लोग छोटे छोटे थे, तो यहाँ पे मंदिर देखिए, अभी ये भी कम से कम 50 साल पुराना मंदिर होगा। तो तभी मैं बहुत छोटा था, आप देखिए जंगल के बीच में, तो ऐसे ही छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे हर एक रास्ते में होते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ पे रेखाल है। तो रेखाल बोले तो यहाँ पे एक फेमस जगह थी पहले से ही, यानी खाल का मतलब होता है जहाँ से चारों तरफ दिखता है। चाचा जी, भेजी और मैं, और इस साथ में ये खूबसूरत लोकेशन पीछे का आप देख रहे हैं, तो ये है रेखाल, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो इतना खूबसूरत सा लोकेशन है यहाँ पे, और ये टाइम कभी कभी देखने को मिलता है। तो आज हम तीनों साथ में यानी सफ़र कर रहे हैं, तो चले अभी इसी सफ़र के साथ में कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो आगे और भी खूबसूरत लोकेशन मिलता रहेगा। तो गाइज यहाँ पे हैं मेरे भाई जी बड़े वाले, यहाँ पे पालक उराली में मेरी बुआ जी रहती थी सबसे बड़ी वाली, यानी जो मेरे बड़े वाले दादाजी थे, तो उनकी बेटी यहाँ पे पालक उराली में रहती थी। तो अभी बुआ जी तो है नहीं, तो यहाँ पे हैं भेजी हमारे, तो सबसे बड़े वाले भेजी हैं यहाँ पे। तो गाइज ये है मेरे पीछे यहाँ पे पालक उराली गाँव यहाँ पे, और कुछ वो साइड में है, तो ये ऑलमोस्ट रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा गाँव होगा। तो यहाँ पे आधा इधर है और आधा वो साइड में, नीचे भी है, काफ़ी बड़ा गांव है ये पालक उराली, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ऐसा है, और बाकी सामने का आप व्यू देखिए वो साइड। चले थे घर से ऑलमोस्ट 9 बजे यानी 9 AM को, और अभी हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ब्लॉग भी बनाया, फिर रास्ते में पूजा भी की, तो अभी देख सकते हैं आपके हम लोग रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें इंटर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ऊपर से काफ़ी शॉर्टकट है रास्ता। बाकी यहाँ से आप सामने का व्यू देखिए, ये है यहाँ पे बजरा कटाई, और ऊपर है ब्लॉक, वो साइड में ब्लॉक लास्ट यहाँ पे, नीचे यहाँ पे मरगांव है कुछ इस तरह से। वहाँ से हम लोग आए सामने से, और ये है रास्ता घुराणगांव जाने का ऊपर। तो अभी हम पहुंच गए हैं घुराणगांव, यहाँ से ही स्टार्ट हो गया अभी घुराणगांव। तो ये है बुढ़ना लसिया रुद्रप्रयाग में। पैसे मकान है